dandruff is a most common problem in winter for girls and also boys. So guys, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को dandruff को सिर्फ वन वॉश के अंदर क्लियर करने का एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही पावरफुल होम रेमेडी शेयर आपसे करूंगी। बट फर्स्टली मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आप बहुत ज्यादा इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, ये उपाय आज जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को तो पूरी तरह से एक ही वॉश में खत्म कर देगा, बल्कि साथ साथ इसके इस्तेमाल से आपके बालों में एक नया शाइन और जो चमक आप देखेंगे वो वन वॉश के बाद ही आपको हैरान कर देगा। क्योंकि मैं इसके अंदर यूज करने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जिसमें की है आमला। आमला आप सभी जानते हैं विटामिन सी का इकलौता एक ऐसा नेचुरल सोर्स है जो कि आपके डैंड्रफ को दूर करने के लिए मोस्ट ऑफ इफेक्टिव है, क्योंकि ये आपके स्कैल्प के अंदर जमी हुई रूसी को डैंड्रफ को डीपली निकालने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इसके इस्तेमाल से हमारे बालों की चिपचिपापन है वो दूर होता है, इसी स्कैल्प को दूर करता है, स्कैल्प को क्लीन करता है प्रॉपर आमला। क्योंकि ये विटामिन सी के साथ साथ इसके अंदर कुछ ऐसे नेचुरल तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे स्कैल्प को अंदर से काफी ज्यादा क्लीन करने में हेल्प करते हैं। आमले को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको कट कर लीजिए। उसके बाद मैंने इसको ग्राइंडर जार के अंदर डाल करके इसका पेस्ट बना लिया, थोड़ा सा पानी ऐड किया था मैंने, और उसके बाद छन्नी की हेल्प से, स्ट्रेनर की हेल्प से मैंने इसको छान लिया है। और ये देखिए गाइस, यहाँ पर मेरे पास आमला का जूस तैयार है। तो आपको इसी तरीके से आमला का जूस यूज करना है डैंड्रफ के लिए और बालों को पूरी तरह से क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पर हम लेंगे एक बॉल के अंदर लेमन जूस, आधे नींबू का रस मैं निकाल रही हूँ। अगर डैंड्रफ का ज्यादा इशू है तो आप बाद में इसमें और लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच ये आमला का जूस। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आप इसके अंदर ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। गाइस यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का हम यूज करेंगे 1 से 2 चम्मच। मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल भी आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को अच्छी तरह से निकालने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करता है। और इसी के साथ यहाँ पर हमें कोकोनट ऑयल की भी जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डबल बॉइलिंग प्रोसेस को यूज करेंगे। पानी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और एक स्टील के बाउल के अंदर हम ये तेल डाल देंगे और इसी के साथ कोकोनट ऑयल में इसके अंदर रख देती हूँ। सर्दियों में ये काफी ज्यादा जम जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको डबल बॉइलिंग प्रोसेस से हीट कर लेंगे, अच्छे से गर्म कर लेंगे। अच्छे से आप इसको गर्म करेंगे और यहाँ पर मैं एक नींबू का रस और यूज कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से लेमन जूस को हम इसके अंदर डाल देंगे। लेमन जूस आपके डैंड्रफ, इची स्कैल्प और चिपचिपे स्कैल्प को दूर करने के लिए मस्ट इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है और ये आपके स्कैल्प को साफ करने के साथ साथ आपके बालों को भी काफी ज्यादा क्लीन और क्लियर करने में हेल्प करेगा। सभी चीजों को आप अच्छे से मिक्स करेंगे और ये वार्म फॉर्म ही आपको यूज करना होगा। तो ये प्रॉपर तैयार हो गया है गाइस। इस सॉल्यूशन को आप स्कैल्प में लगाएंगे, अच्छी तरीके से मसाज करेंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ का इशू है, इसको लगाकर दोस्तों आपको अच्छे से मसाज करनी है स्कैल्प में, पोरों की हेल्प से, अपने हाथों की उंगलियों के पोरों की हेल्प से आपको अच्छे से मसाज करनी है 7 से 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद अपने स्कैल्प में इसको लगाकर रखें, बालों में इसको 1 घंटे के लिए। उसके बाद आप हल्के गर्म पानी से अपने बालों को वॉश कर लें। वन वॉश के बाद ही आप अपने बालों में डैंड्रफ को ढूंढते रह जाएंगे, क्योंकि ये आपके बालों से पूरी तरह से निकल जाएगा और आपके बाल बहुत ही ज्यादा शाइनी और क्लीन हो जाएंगे। तो एक बार ट्राई करना, आप खुद मुझे कमेंट करें।